हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेक सब कुछ चैनल। दोस्तों, अगर आप एक बजट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपका बजट 8000 से कम है तो ऐसे में काफी सारे स्मार्टफोन हमें मार्केट में मिल जाते हैं। वहीं अभी Xiaomi की सब ब्रांड कंपनी पोको ने भी अपना सबसे सस्ता स्मार्टफोन पोको C3 लॉन्च किया था, जिसकी कीमत स्टार्ट होती है 7500 रुपए से। और इसी बजट में हमें रियलमी C11 भी मिल जाता है। वहीं फ्लिपकार्ट सेल पर आपको इन दोनों स्मार्टफोन पर काफी जबरदस्त प्राइस कट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों स्मार्टफोन को। वहीं अगर आपका बजट इससे ज्यादा है तो कौन सा फोन बेस्ट रहेगा के लिए, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर काफी सारे स्मार्टफोन पर डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर से चेक करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं रियलमी C11 और पोको C3 की। दोस्तों, सबसे पहले इनके लुक और डिजाइन की बात करें, इन दोनों फोन में हमें वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन में देखने को मिलता है, जो कि इस बजट में मोस्टली स्मार्टफोन में दिया जाता है। वहीं इनके बैक में पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाती है, जिसमें कि पोको C3 के डिजाइन सेम पोको M2 जैसा मिलता है, यानी कि इसमें डुअल टोन कलर मिल जाते हैं। और रियलमी C11 में भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, जिसमें कि एक नया डिजाइन दिया गया था। वहीं दोनों फोन में स्क्वायर शेप में कैमरा हाउसिंग मिल जाती है। बाकी आप लोग बताओ कि आपको इन दोनों फोन में से किसका डिजाइन बेटर लगा। नाउ बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो इन दोनों फोन में हमें ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले मिलती है, यानी कि 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट पैनल है। तो डिस्प्ले क्वालिटी दोनों ही फोन में HD+ ही दी गई है, तो इस फोन पर वीडियो वगैरह आप 720p पर ही देख पाएंगे। नाउ बात कर लेते हैं फोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर भी सेम हार्डवेयर दिया गया है, यानी कि इन दोनों फोन में हमें मीडियाटेक हीलियो G35 चिपसेट मिल जाता है, जो कि 2.3 GHz पर क्लॉक है और 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो डेली यूज के लिए ये फोन काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं। वहीं अगर आप इन पर गेमिंग करना चाहते हैं तो हैवी गेमिंग आप इन पर नहीं कर पाएंगे, बट नॉर्मल गेमिंग आप इन पर खेल पाएंगे। वहीं इनके रैम और रोम की बात करें, तो रियलमी C11 में हमें 2GB रैम के साथ में 32GB स्टोरेज दी गई है, जो कि काफी कम है। कम से कम इसमें 3GB रैम तो देनी चाहिए थी, इसके अलावा इसमें कोई और वेरिएंट भी नहीं मिलता। जबकि पोको C3 में हमें 20 मॉडल में 3GB रैम विद 32GB स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा 4+64GB स्टोरेज वेरिएंट भी मिल जाता है। तो रैम और स्टोरेज के मामले में पोको C3 काफी अच्छा डिवाइस है, बट वहीं 32GB स्टोरेज भी काफी कम होती है आजकल के लिए। वहीं इसका 64GB वेरिएंट थोड़ा सा ओवर प्राइस है। नाउ बात कर लेते हैं इन फोन के OS की, तो इन दोनों फोन में हमें एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलता है, बट रियलमी C11 में रियलमी UI दिया गया है और जिसमें की एड्स वगैरह आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पोको C3 में पोको लॉन्चर मिल जाता है, जिसमें कंपनी क्लेम करती है कोई भी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलने वाले। वही मुझे पर्सनली पोको लॉन्चर काफी अच्छा लगता है। बाकी आप लोग बताओ कि आपको इन दोनों UI में कौन सा UI पसंद है। बात करें इनके बैटरी की, तो इन दोनों फोन में हमें 5000mAh की बिग बैटरी मिल जाती है, जिसमें कि सिर्फ 10W की चार्जिंग दी गई है। तो नॉर्मल यूसेज में आपके बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल जाएगा, यानी कि आपको इसमें 1 से 1.5 दिन का बैकअप मिल जाएगा, बट वहीं इसको चार्ज करने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। वहीं बात करें इस फोन के कैमरा की, तो यहाँ पर रियलमी C11 में डुअल कैमरा सेटअप दिए गए हैं, जबकि पोको C3 में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाते हैं। रियलमी C11 में 13MP का प्राइमरी लेंस, 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है, जबकि पोको C3 में 13MP का प्राइमरी लेंस, 2MP का डेप्थ सेंसर और एक 2MP का मैक्रो लेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर पोको C3 में एक एक्स्ट्रा लेंस मिल जाता है, जो कि इतना ज्यादा यूजफुल लेंस नहीं है, अगर अल्ट्रा वाइड लेंस होता तो ज्यादा सही रहता। और इनके फ्रंट में 5MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो ओवरऑल इन दोनों फोन में आपको ऑलमोस्ट सेम फोटो क्वालिटी मिलने वाली है और इनसे आप 1080p तक वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर पाएंगे। इन सब के अलावा इनके पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात करें, तो इनमें हमें डुअल 4G ट्रिपल कार्ड स्लॉट, माइक्रो USB, 3.5mm ऑडियो जैक, वाईफाई कॉलिंग और फेस अनलॉक जैसे फीचर मिल जाते हैं। बाकी इन दोनों फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, जो कि पोको C3 में मिलना चाहिए था। नाउ अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर, तो इन दोनों फोन में हमें सेम डिस्प्ले, सेम परफॉर्मेंस, सेम बैटरी और ऑलमोस्ट सेम कैमरा क्वालिटी मिलने वाली है, बट वहीं इनके रैम और स्टोरेज वेरिएंट को देखें तो पोको C3 में स्लाइटली बेटर मिलता है। इसमें हमें 3+32GB वेरिएंट मिल जाता है, जो कि काफी सही रहेगा। 7500 की कीमत में इन दोनों फोन में से पोको C3 काफी अच्छा डिवाइस रहेगा। वहीं फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल में पोको C3 पर SBI कार्ड से 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, तो इस फोन की कीमत 7000 से भी कम हो जाएगी। इसके अलावा रियलमी C11 पर डायरेक्ट प्राइस कट दिया गया है, यानी कि ये फोन सेल में 6500 रुपए में मिलेगा, जिसमें कि अगर आप SBI कार्ड ऑफर लगा देते हैं तो ये काफी सस्ता फोन हो जाएगा। तो इसकी फाइनल प्राइस 6000 के आसपास हो जाएगी। बाकी आप लोग बताओ कि इस सेल में आप इन दोनों फोन में से कौन सा फोन लेने की सोच रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसे नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।